अकीदत के चरागों को बुझा सकता नहीं कोई, मोहब्बत तेरी दिल से मिटा सकता नहीं कोई, वो चाहे कितना ही धनवान हो या वक्त का हाकिम, तेरे दीवानों की कीमत लगा सकता नहीं को। ये सच है फातिमा बीबी के उन दुलारों का, अली का और मोहम्मद के उन का। ए मेरे दोस्त तो अजमेर तुम चले तो चलो, मिलेगा सदका तुम्हें करबला के प्यासों का। ये सच है फातिमा बीबी के उन दुलारों का, अली का और मोहम्मद के उन नवासों का। ए मेरे दोस्त तो अजमेर तुम चले तो चलो, मिले मिलेगा सदका तुम्हें करबला के प्यासों का। ख्वाजा के दीवानों अजमेर चलो, 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 ख्वाजा के दीवानों अजमेर चलो। बापू बहुत हसीन मिसरे हैं, दो मिसरे के अजमेर के गुलजार में रहमत की घटा है, मुझे बड़े पसंद है, हमेशा पढ़ता हूँ कि अजमेर के गुलजार में रहमत की घटा है, ख्वाजा मेरा खैरात करम बांट रहा है।
वरना मेरी खुद की ऐसी आदत नहीं है कि आपको मेरी तरफ से तकलीफ हो और फिर आप मेरे छोटे भाई समझो या मेरी औलाद जगह हो। आप लोग बैठो, आप गाना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसी हर नहीं तो बैठो ना, एक टन गा के जाओ ना, फिर मैं संभालता हूँ पूरा, टेंशन मत लो। तो शेर पढ़ के खत्म करता हूँ। असल में क्या है, मैंने कहा ये लोग वाकई बहुत अच्छे हैं और दोनों फनकारों को वो इज्जत देते हैं कि मैंने जिंदगी में तकरीबन 8 से 10 स्टेज किए होंगे, यहाँ मैं भूल भी गया। बहुत अच्छे लोग हैं, आप गाओगे तो भी आपको एहसास होगा इंशाल्लाह ताला। बहुत अच्छा आप गाएंगे भी और बहुत अच्छा सुनेंगे भी। बस ये दो शेर पढ़ रहा हूँ, मक्ता पढ़ता हूँ और खत्म करता हूँ, एक शेर पढ़ लेता हूँ। आज के दीवानों लोडियम के, ये मैंने बैठे बैठे स्टेज पे शेर कहा था, जरा सुनिए सुनिए। जो लोग हमारी तरफ उंगली उठा के कहते हैं हम इन पे फतवा लगाते हैं, मैं उनके लिए क्या कह रहा हूँ, जरा सुने आप सुने।
Oh,